कोरोना वायरस के बढ़ते हुए रुझान को देखकर भीड़ भाड़ वाली जगह न जाएं, तो जरूरी से जरूरी ही काम होने पर अपने घर से निकले, वरना ज्यादा से ज्यादा अपने घरों में रहें ताकि कोरोना वायरस से बचा जा सके। तमाम दुकानदार जो कि कस्बा हजार में दुकान करते हैं, अपना अपना कोरोना टेस्ट करा लें। किसी भी शख्स को बदो कोरोना टेस्ट दुकान न खोलने दी जाएगी। अगर कोई भी दुकानदार बगैर कोरोना टेस्ट कराए हुए दुकान खुली पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। लिहाजा तमाम शहरों से अपील की जाती है कि वो एडमिनिस्ट्रेशन का तावन करें, भीड़ भाड़ वाली जगहों में न जाएं, तो ज्यादा से ज्यादा अपने घरों में रहें ताकि कोरोना वायरस से बचे। गुप्ता आप देख सकते हैं जी, पिछले हफ्ते में जो जम्मू कश्मीर के साथ साथ पूंछ में भी बहुत कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं और हिंदुस्तान के अंदर भी बहुत बढ़ रहे हैं। हम दुकानदार बस अभी बाजार के व्यापारियों से यही अपील करते हैं कि जो भी दुकानदार दुकान पे बैठा या गाहक बाजार आता है, बहुत जरूरी काम हो तभी बाजार आए और मास्क पहन के आए, तो इससे लॉकडाउन भी नहीं लगेगा और दुकानदारों का काम भी चलेगा। बस मास्क पहन के रखें, अपनी सेफ्टी रखें, प्रिस्क्रिप्शन रखें और दुकान पर ज़्यादा रश ना मचाएं, एक एक गाहक को फर्क करके बुलाएं। आप गुलस्तान न्यूज़, सॉरी मेरा नाम कमल किशोर सिंह, सीनियर सिटीज़न, वार्ड नंबर 10। जैसे कि J&K स्टेट में हर जगह केस काफ़ी बढ़ रहे हैं, तो उस हिसाब से पुंछ में भी काफ़ी केस बढ़ रहे हैं, तो मेरी राय तो यही है कि यानी कि पुंछ में वीकली लॉकडाउन होना चाहिए, क्योंकि लोगों के ये तो लोगों के हित के लिए ही है ना, तो उस मेरी राय तो यही है कि वीकली लॉकडाउन होना चाहिए। पुंछ के अंदर रोज़ाना 30-35 केस जो रोज़ाना बढ़ रहे हैं, उससे लोगों में बहुत सा डर पैदा हो गया है। और मैं ये अपनी तरफ से ये समझता हूँ कि जैसे एडमिनिस्ट्रेशन ने पहले भी शनिवार और एतवार को वीकली लॉकडाउन लगाया था, वो लॉकडाउन लगना ज़रूरी है, क्योंकि लोगों में इसमें बहुत ज़्यादा हरासमेंट है और लोग बहुत ज़्यादा परेशान है कि ये क्या हो रहा है। तो मैं समझता हूँ कि लॉकडाउन लगना चाहिए और ये ज़रूरी है एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी और लोगों के लिए भी। देखिए, सबसे पहले तो मैं सबको ये एडवाइस करूँगा कि वो मास्क लगा के चलें, और दूसरी बात ये डी साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो एक अच्छी मीटिंग बिठा के इसमें गौर करें कि इसको कैसे लेना है। तो जहाँ तक मैंने न्यूज़ में सुना है, नेशनल न्यूज़ में मैंने देखा कि बता रहे हैं कि ये इतना स्ट्रांग नहीं है, इतना ख़तरनाक नहीं है। तो मैं पूरी अपने पुंछ की इमाम से ये कहना चाहता हूँ कि वो जब भी घर से बाहर निकलें मास्क यूज़ करके निकलें और अपना हाथ सैनिटाइज़ करते रहें और दूरी बना के रखें और अपने खरीद खराद करें। अगर वो गलत करेंगे इस चीज़ को लेके, अगर वो सीरियस नहीं होंगे तो आने वाले टाइम में ये ख़तरनाक भी हो सकता है। तो बाकी रही बात लॉकडाउन की, अब हम लॉकडाउन जो है वो बर्दाश्त नहीं कर सकते, ये तो सब जानते हैं। तो बस यही एडवाइस है कि वो मास्क यूज़ करें, सैनिटाइज़ करें और दूरी बना के रखें, और जब भी कहीं पे जाएं तो कोई ज़रूरी काम हो तो तब जाएं, ऐसे अननेसेसरी बाहर निकलना बहुत ख़तरनाक होगा। तो यही मेरी है।